लड़ जरा कुछ कर देगा सबको करके दिखा क्या तेरा भाई तेरा दोस्त इसे बोल रहा कर दिखा लड़के दिखा ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनि सर की क्लास में और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में एक धमाकेदार सेशन में और गाइज आज है डे टू 25 क्लासेस 15 दिन में करनी है सैटरडे संडे को पांच पांच टेस्ट करने हैं ठीक है एग्जाम से पहले चार पांच टेस्ट करने हैं तो मैंने आपके लिए पोल भी सीख लिया है कि खुद ही मैं यहां पर पोल दू और आप उसमें आंसर करें मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे दे। थोड़ी देर पहले तो मैंने ये पूछा था कि कौन से एग्जाम की ज्यादा तैयारी कराई जाए मतलब कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए आर पीओ के आर क्लर्क के या दोनों के मिक्स आर पीओ क्लर्क या मिक्स एक तो इस पर अपनी प्रति, प्रतिक्रिया आप दें तो ज्यादातर प्रतिक्रिया इसकी और इसकी आई थी क्लर्क के नहीं चाह रहे थे मैक्सिमम लोग चाह रहे या तो आर पीओ हो या आर या तो आर पीओ हो या मिक्स हो आर पीओ हो या मिक्स हो तो फिलहाल सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप जानते हैं अभी मैंने पूछा कि आ, पीओ में कितनी पजल आती है या क्लर्क में कितनी पजल आती है तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा हमें हाँ, पता है तो जरा एक बार कमेंट करके बताएं पीओ में कितनी पजल आती है चार या पांच मैं पोल भी सीख गया हूं देखो पोल भी अभी कराता हूं पुराना वाला तो हटाता हूं दूसरा पोल लगाता हूं जरा जवाब दें बताइए आर आर बी पीओ पजल आर, आर पीओ चार या पांच चार या पांच चलिए भैया जवाब दीजिए जरा जनता जवाब मांगती है चार या पांच फास्ट अभी पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कितना पता है कितने आप पानी में है तैयारी करनी है नौकरी भी चाहिए सबको हा? तो कितनी पजल आपकी आती है आर पीओ में चार या पांच तो भाई साहब लास्ट ईयर का कट पेपर खोलिएगा आपको पच्चीस नहीं छब्बीस नंबर की पजल मिलेंगी आर आर बी पीओ में आपके एग्जाम में मिलेगी आपको पांच पजल ठीक है भाई आर आर बी पीओ में आपको मिलेगी पांच पजल चार नहीं आपको पहले पता होना जरूरी है आर आर बी पीओ में मिलेगी कम से कम पांच पजल और आर आर बी क्लर्क में आपको मिलेगी कम से कम चार ठीक है तो आपकी तैयारी भी इसी बेस पर होनी चाहिए यहां पंद्रह नंबर का बेसिक काम देगा यहां बीस नंबर का मिसलिनियस यहां पंद्रह यहां बीस तो अपनी तैयारी को ऐसे करना है जिसे आईबीपीएस क्लर्क में तैयारी एसबीआई क्लर्क में तैयारी कराएगी दी थी, की थी थी ना कि तीन से चार फिर तीन भी हो सकती है कभी कभी चार की अनसर्टेन डाल दी एक और चीज है अनसर्टेन दोनों का ही फेवरेट है इसका भी भी और इसकी भी। एक मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज्यादा गहराई में ले जाएगी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आर पीओ ने दिमाग से गेम खेला था पैंतालीस नंबर देता है ना पैंतालीस मिनट सॉरी पैतालीस मिनट अस्सी क्वेश्चन तो मैं पहले दिन ही आपको ट्रेन कर रहा हूं जितने लोग स्किप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं आपको पता है लास्ट ईयर जो लोग फॉलो नहीं करते थे ना फॉलो जो लोग नहीं करते थे स्किप स्ट्रेटेजी जो इधर उधर पढ़ते थे उन्होंने क्यों शुरू किया उसमें आर आर बी पीओ का बड़ी देन है आर पीओ वाले ने पता क्या दिमाग लगाया हम लोग तो कहते थे स्किप कर लेना कि भाई पजल है स्किप कर लेना पता लग जाएंगे कितने क्वेश्चन पूछे आर आर बी पीओ ने पता क्या किया था जो लोग हमारे बच्चे ज्यादा क्यों पास होते हैं क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं पिछली बार जो लोग फॉलो वाली स्किप स्किप वाले फॉलो नहीं करते आरआरबी पीओ ने क्या किया एक पजल में केवल एक ही क्वेश्चन डाला और इनकी लाइफ हो गई जिंगलाला। एक ही क्वेश्चन डाला इन्होंने बस हो गया हैप्पी बर्थडे एक पजल सोचिए एक पजल डाली एक ही क्वेश्चन हो गया हो गया पूरा पेपर तमाम तो एक पजल में एक पजल में एक ही क्वेश्चन तो अब सोचकर देखो आपके लिए अब सोचकर देखो तैयारी इस लेवल की की जाए इस तरीके से की जाए कि आप आगे बढ़े गाइज डू फॉलो स्किप स्ट्रेटेजी डू फॉलो स्किप स्ट्रेटेजी एक पोल अभी और कि कितने लोग स्किप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कितने लोगों को बेनिफिट हुआ स्किप से हाँ, लो पोल लो आप मैं खुद ही पोल दूंगा देखो पुराना वाला बंद करता हूं पहले तो फॉलो स्किप कितने लोग करते हैं स्क्रिप्ट को फॉलो ये बेनिफिट करती है यस नो अरे वाह अब तुम सारे जवाब जनता जवाब मांगेगी चलिए पोल भी दे दिया कितने लोगों को फायदा हुआ इससे एक बार यस कर देना जो फॉलो करते हैं वो दो क्वेश्चन थे इसमें चलो चार परसेंट को नहीं हुआ बाकी सबको हुआ चलो बहुत बढ़िया तो खेला शुरू किया जाए पहले मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं आज का मोटिवेशन कोशिश मंजिल मिलने तक करें क्योंकि लोग मंजिलों को सलाम करते हैं कोशिशों को नहीं सर एस बी आई आई बी पी एस क्लर्क में ना मेरे छिहत्तर नंबर आए कोशिश की मेरे स्टेट में कट ऑफ सेवेंटी सेवन चली गई कोई नहीं पूछेगा आपके 77 क्यों नहीं आए आपको जब मंजिल मिल जाएगी तब लोग आपकी बात सुनेंगे उससे पहले कोई नहीं जानता कौन अंकित कौन स्वाति कौन पुनीत कोई नहीं जानता जब आपको मंजिल मिल जाएगी ना तब आपको सलाम करेंगे तब सोच पूछेंगे आपसे अच्छा एक बार एक नंबर से रह गए थे तुम ओहो तुम्हारा तो तभी हो जाना चाहिए था जब आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे तब आपकी बात सुनेंगी लोग उसी की बात सुनते जिसका कोई होता है जो एक मुकाम पर पहुंच जाता है थोड़े समय के बाद आपके छोटे भाई बहन भी आपको तभी सुनना पसंद करेंगे जब आप कुछ कहने की कुछ बताने की पोजीशन में होंगे स्टैंडर्ड होगा जब आपका इस बात को आप फील कीजिएगा आज नहीं अगर कल थोड़े समय और बीत गया तो आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा एक बार सिलेक्शन हो जाता है ना तो लोगों के नजरिए बदलने में देर नहीं लगती बस एक दिन आपका होना चाहिए सब लोगों के नजरिए बदल जाएंगे आज जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं ना वो बंद कर देंगे कल से आपके खिलाफ बोलना आज जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं कल से वो बंद कर देंगे आपके खिलाफ बोलना ये मैं गारंटी से कह रहा हूं चलिए शुरुआत करते हैं बाईस मिनट का समय लेते हैं आपको पता है बीच में ये सब मैं ये आखिरी में बताऊंगा ये अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं तो सवा घंटे का मेरा लेक्चर चला जाता है चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स क्रैक इट एक बार कमेंट कर दो यस लेट्स क्रैक इट रेडी है गाइस 22 मिनट का समय है धमाल मचाते हैं पीओ क्लर्क फिलहाल मैंने दोनों दोनों फॉलो किए है एक आधी पजल क्लर्क वाली भी होगी एक आधी पीओ वाली भी होगी अभी चालीस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं कोशिश पूरी है अब धीरे धीरे करके मैं बताना भी शुरू कर दूंगा भाई पीओ पीओ पीओ, पीओ है ये क्लर्क 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 है ठीक है चलो शुरू करें लेट्स क्रैक इट धमाकेदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए 22 मिनट मैक्सिमम आपके लिए हैं चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ऑल दी वेरी बेस्ट आया टिक टिक टिकटिकीज शुरू हो गई टिक टिक शुरू हो गई बताइए दस सेकंड तक लिख लेना बारह में साउथ स्किप चेक कर लेना कितने क्वेश्चन पूछे हैं याद रखना अभी मैंने बताया था आर आरबीपीओ ने धज्जिया उड़ा दी थी, थी एक पजल में एक ही क्वेश्चन डाला था पांच पजल पूरी पूरी एक पजल में एक क्वेश्चन हैप्पी बर्थडे टू यू नमस्ते निकलो तो याद रखिएगा इससे पहले ये देख लेना किस में कितने पजल कितने क्वेश्चन पूछे हैं ये काम आएगा स्किप स्ट्रेटजी ठीक है तो कैसे स्किप स्ट्रेडजी फॉलो करते हैं स्किप एंड स्टोर स्टोर कैसे करना है बच्चे ऐसे क्वेश्चन नंबर वन से फाइव डबल रो छे छे मेंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा सीरीज 40 सेकंड में आपको देता हूं सीरीज में स्किप एंड स्टोर स्केप एंड स्टोर हा हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा फास्ट एक बार शेयर मार दो यार ऐसे मजे वाली बात नहीं है एक बार शेयर करना पड़ेगा आपको चालीस सेकेंड उड़ाइए फास्ट बार तोड़ बैटिंग। टाइम अप, चालीस सेकेंड समाप्त चालीस सेकेंड समाप्त ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है चलिए देखते हैं अगली बार पोल भी मैं दूंगा पोल में भी आंसर करना अगली बार से पोल में आंसर करना ठीक है मेरे साथ तैयार है पोल अगली बार पोल में आंसर करना ठीक है चलो जाओ देखते क्या आंसर है वन ऐड करना है मिडिल डिजिट में दोस्तों वन ऐड करना है मिड वाली में ठीक है कितने नंबर तीन से डिवाइड होते हैं तीन से डिवाइड का रूल आपको पता होगा सारे डिजिट को ऐड करो दो और सात नौ और पांच चौदह चौदह और पंद्रह पंद्रह तीन से डिवाइड होता है हाँ सात चार ग्यारह पांच सोलह सोलह और एक सत्रह सत्रह डिवाइड होता है नहीं आठ दो दस चौदह और एक पंद्रह पंद्रह कहां से है आठ दो दस हजार चौदह इसमें एक जोड़ा पंद्रह पंद्रह डिवाइड होता है हाँ चार पांच नौ छह पंद्रह एक सोलह सोलह होता है नहीं तीन ग्यारह पांच सोलह एक सत्रह होता है नहीं केवल दो नंबर है एक ये वाला जो तीन से डिवाइड हो जाएगा एक वाला सही ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नमस्ते करते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपकी बार पोल दूंगा आपको वहां पर चलो चालीस सेकेंड का समय है बताने का कष्ट करें क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर ए बी ऑप्शन ही टिक करना है बस आपको सी डी बस चार ही ऑप्शन है पांचवा नहीं दिया मैंने ए बी सी डी ए बी सी डी ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ आंसर चाहिए मुझे पोल में ए बी सी डी टिक करो पोल में ही पोल में करो गोल पोल में ही करो गोल चलो चालीस सेकंड समाप्त मेजोरिटी अगर मैं बात करू फोर्टी टू परसेंट आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी फोर्टी सिक्स परसेंट अभी तो चल ही रहा है पंद्रह परसेंट ए चौबीस परसेंट बी चौदह परसेंट सी और सैतालीस परसेंट डी केवल सैतालीस परसेंट डी है एल्फ नंबर न्यूमेरिकल सीरीज में भी सैतालीस परसेंट कर रहे हो बहुत बढ़िया डिजिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो सेकेंड लोएस्ट नंबर बताना है तो सबसे बड़ी डिजिट को फोकस करो सात सात आठ छ आठ सेकेंड लोएस्ट नंबर तो भाई सबसे लोएस्ट तो छह वाला हो गया ये लोएस्ट सात के बाद पांच सात के बाद पांच पांच के बाद दो सात पांच दो सात पांच चार तो सात पांच दो सेकेंड लोएस्ट ये हुआ सेकेंड लोएस्ट सात पांच दो दो सौ पचहत्तर यह रहा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी डिजिट को घटते क्रम में लगाना है जब घटते क्रम में लगाओगे तो सबकी हाईएस्ट रिजल्ट देखो इसकी हाईएस्ट इसकी हाईएस्ट इसकी हाईएस्ट इसकी हाईएस्ट इसकी हाइएस्ट ये तो लोएस्ट हो गया छह वाला लोएस्ट सात वाले दो हैं हमारी बद किस्मत दी हाँ सात वाले दो हैं इनमें छोटा वाला ये है तो यही टिक करो निकल लो दो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा समय शुरू करते हैं आपका अब पोल भी आपको बताता रहेगा कि आप कितने पानी में हैं चलो चालीस सेकेंड क्वेश्चन नंबर एट बल्ले बल्ले क्वेश्चन नंबर एट करें आंसर कहा पर तोड़ बैटिंग पोल भी कराता रहूंगा मैं तापर तोड़ बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे चाहिए आंसर और पैंतीस के पैंतीस क्वेश्चन करेंगे तो उसकी रेंज दिखाई देगी आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो बस जबरदस्त यार जबरदस्त टाइम आप चालीस सेकंड तो बहुत है यार तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त कराई गई है शाबाश बहुत बढ़िया यार पांच ऑप्शन नहीं है सॉरी क्योंकि पोल में चार ही है अगर कभी कभी आपका आंसर पांचवा पा आ रहा हो तो भी चौथा लगा देना क्योंकि मैं चार ही ऑप्शन दे पा रहा हूं पांचवा ऑप्शन नहीं दे पा रहा पहला और तीसरा बदल दो तो कितने नंबर फोर्थ लोएस्ट होंगे पहले मुझे ये ये जवाब दे दीजिए कौन से डिजिट पर फोकस करें पहली पर दूसरी पर तीसरे पर प्लीज कौन से डिजिट पर फोकस करेंगे पहली डिजिट पर दूसरी पर तीसरी पर जवाब चाहिए मुझे इतनी मेहनत से एसबीए क्लर्क में पढ़ाया गया था मुझे जवाब चाहिए कौन से डिजिट पर फोकस करेंगे पहली पर दूसरी पर तीसरी पर बहुत सारे लोगों को मैं समय दे दूंगा तो बाद में आंसर करते रहेंगे लेकिन 40 सेकेंड के अंदर बहुत कम लोग आंसर कर पा रहे ठीक है तो कौन से फोकस करेंगे आखिरी वाली थर्ड वाली अब आप मुझे एक जवाब दीजिए फोर्थ लोएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट। फोर्थ लोएस्ट का मतलब सेकंड हाईएस्ट ये छे हुआ हाइएस्ट ये फिफ्टी एट, ये फिफ्टी ये फिफ्टी ये हुआ सेकेंड हाइएस्ट फिफ्टी एट वाला तीन सौ पिचासी ऑप्शन नंबर सी टिक करो निकल लो टिक करो निकल लो वेरी वेल डन शाबाश जिन्होंने गलत किया उनको क्या मिलता है हमारी तरफ से कुछ नहीं एक और मौका सही करने का ठीक है <laughs> चलिए नेक्स्ट भाई पहला और तीसरा बदल लें तो तीसरे वाले को फोकस करेंगे तीसरे वाले को फोकस की फोर्थ लोएस्ट पांच लोगों में चौथा लोएस्ट मतलब सेकेंड हाइएस्ट सबसे हाइएस्ट ये वाला अब आखिरी से बढ़ो पांच आठ पांच चार पांच सात पांच आठ वाला सेकेंड हाइएस्ट मतलब फोर्थ लोएस्ट तीन सौ पचास से टिक करो निकल लो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा समय शुरू करते हैं अब पोल देते हैं आपका अब पोल आपकी पोल भी खोलता है क्वेश्चन नंबर नाइन ए बी सी डी अगर ई e भी आ रहा है तो भी डी पे टिक करें ए बी सी डी एक बार सेशन को लाइक कर दो यार इतने सारे लोग देख रहे हो तुम बत्तीस सौ अप्रॉक्स लाइक तेरह सो है एक काम करता हूं मैं भी पड़ोसियों को बुला लू लाइक कराने के लिए हा भाई पड़ोसियों को बुलाया जाए लाइक करने के लिए भाई एक बार सेशन को लाइक कर दो चालीस क्वेश्चन डेली पंद्रह दिन पच्चीस क्लास में आपको दे रहा हूं एसबीआई क्लर्क मेज भी मैं शुरू कर दूंगा कल या परसों से मैक्सिमम वैसे कल से शुरू करने के चांस पूरे पूरे नाइनटी नाइन परसेंट ठीक है तो चिंता मत करो जितना मेरे बस में है वो आपके लिए पूरा डिवोटेड है आप देखते हो मेरी क्लास एक घंटे की नहीं होती थोड़ी ज्यादा ही जाती है तो आप एक बार भैया सेशन को लाइक कर दो तो मैं इसको सॉल्व करता हूं कितनी पहले हाफ को बदलना है घटते क्रम में चार चार आठ इसको घटते क्रम में नौ छ दो पांच हटाओ और सेकेंड हाफ को बढ़ते क्रम में यह बढ़ते क्रम में खुद ही है तो चार की चार यही रह जाएंगी ऑप्शन नंबर चार हटाओ जिसने की होगा इसको गलत उसको पड़ेगी मार आंसर है चार जिसने किया होगा गलत उसको पड़ेगी बहुत मार सही है क्लियर है भाई हाँ और क्या अभी भी देख लो कितने लोग मतलब गलत करते हैं ये दिल थोड़ा सा दुखी होता है इट हर्ट्स ठीक है जब आप लाइक नहीं करते ना एटलीस्ट आपके हक में यही है कैसे पता लगेगा यहां अच्छी क्लास चल रही है मुझे बताओ मैं देखता हूं हर जगह से ज्यादा यहां बच्चे का भी रेशियो और लाइक का भी रेशियो ज्यादा है कैसे पता लगेगा मुझे कोई नया बच्चा आएगा वो देखेगा अच्छा बत्तीस सौ देख रहे हैं लाइक बारह ने किया है इसका मतलब ऐसे ही चल रहा होगा समझ रहे हो एटलीस्ट आप जितना कर सकते वो जरूर करें और आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा है अगला क्वेश्चन आपके पर यह रहा समय शुरू करते हैं आपका अब फास्ट क्वेश्चन नंबर दस चलो है ना हाँ इट हर्ट्स और क्या अंग्रेजी में हमने भी अंग्रेजी की टांग तोड़ी है बहुत चलो चलो भैया जल्दी बताओ एक वर्ड दे दिया एनिमेशन फिफ्थ फ्रॉम दी राइट एंड राइट साइड से पांचवा बताना है पूछा गया है एल्फाबेटिकली रिवर्स एल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है बेटा देखो एल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ए टू जेड ए टू जेड एल्फाबेटिकल रिवर्स एल्फाबेटिकल जेड टू ए तो आप यहां से पढ़ते शुरू करें सबसे छोटा ए एक दूसरा छोटा ए फिर दो फिर आई तीन फिर आई चार जिसने नहीं लगाया एम उसको पड़ेगी बहुत मार पांच चौथ पांचवा आएगा राइट साइड से एम फिर से सुन लीजिए आपको बोल रहे हैं एनिमेशन इसमें दो बार ए है एल्फाबेटिकल रिवर्स में लगाओगे तो यहां सबसे बड़ा आएगा ना तो सबसे छोटा उधर पहले ए फिर ए फिर आई फिर आई एम लगाओगे तो सही हो जाएगा मेरे भाई ठीक है चलो ए ए आई 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 एम एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको कराया जाता है और आप एग्जाम में बढ़िया करके आते हैं इसलिए ऐसा कराया जाता है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा क्वेश्चन नंबर ग्यारह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर ग्यारह ईयर बेस्ड लिख लेना दो हजार पंद्रह से इक्कीस तक सेवन ईयर हैं स्किप करो स्टोर करो निकल लो सुनिए जो नए हैं क्यों इस क्लास में बच्चे ज्यादा पास होते हैं और क्यों रेंज आती है मैं तो कहता तो हूं आप चेक करो इनिकवालिटी सिलॉक्स की इन बच्चों की स्पीड जितने लोग पढ़ रहे हैं वो तो छोड़ दो जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनसे भी तेज होगी गारंटी से मैं कह सकता हूं अगर किसी ने एक महीने फॉलो कर लिया जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो छोड़ दो पढ़ाने वालों से भी तेज स्पीड करनी है तो यहां पढ़ सकते हो आप देख सकते हो स्पीड करके देखना क्वेश्चन बाकी के मैं तो ये कहता हूं सही है तो आप जहां पर है चिंता ना करें आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह से पंद्रह सात ईयर बस जिससे बाद में आपको पता लग जाए करना क्या है इन इक्वालिटी कितना सेकंड चाहिए मुझे एक बार जवाब दे दो इसमें भी पोल कर लेता हूं कितना सेकंड इन इक्वालिटी के लिए बहुत रहेगा पंद्रह बीस पच्चीस तीस और क्या जल्दी बताओ इन इक्वालिटी के लिए कितना समय बहुत है चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ सुनिएगा आप यहां एक और चीज इन शुरू होने वाली है मैं जरा आपको एक ऑप्शन बता दू सुन लीजिएगा ए मतलब फर्स्ट बी मतलब सेकंड सी मतलब आइदर मतलब और डी मतलब नाइदर और डी मतलब बोथ डी वाले के दो आंसर हैं बोथ आएगा तो भी डी करना है ठीक है सही है फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ चलिए पहला क्वेश्चन मुझे चाहिए ताबड़तोड़ तोड़ आंसर लो बीस सेकेंड का समय है फोड़ डालो तोड़ डालो फोड़ डालो मरोड़ डालो पंद्रह से बीस फास्ट चलो पांच और ले लो और बताओ पच्चीस चलिए फर्स्ट सेकेंड आधर ना इधर बोत अगर ना बोथ आ रहा है तो आखिरी सिलेक्ट करना देखिए सीधा हम लोग यहां जाते हैं हम लोग नहीं जाते ऊपर स्टेटमेंट पर वो तो बच्चे आते हैं हम तो सीधा यहां जाते हैं पूछो बड़े हो सकते हो कह रहा मैं तो हो सकता हूं पूछो वाई तुम छोटे हो सकते हो कह रहा हो सकता हूं कॉमन टर्म देखो एक्स बढ़ाए जे से जे बढ़ाए वाई से टिक करो निकल लो पूछो डी तुम बड़े हो सकते हो कह रहा पूछो के तुम छोटे हो सकते हो क्या कहेगा के कह रहा नहीं इतनी मुश्किल से बड़ा हुआ मुझे छोटा करने के लिए तैयार हो निकल लो यहां से हमारा स्टूडेंट एग्जाम में इनइक्वालिटी मैक्सिमम पंद्रह सेकेंड में करके आया ये जवाब मैं नहीं यह देंगे एक बार मुझे जवाब दे दीजिए कितने लोग हैं जो बीस सेकेंड से कम इनिक्वालिटी में इनइक्वालिटी खत्म करके आए हैं अपने एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस मुझे कहां से आता है आप लोगों से जब आप लोग एग्जाम में उड़ाकर आते हैं ना क्वेश्चन वहां से कॉन्फिडेंस आता है क्यों पुनी सर यहां खड़े होकर बोल रहे ये क्वेश्चन करवा के देख लेना आपका सेकंड उनसे एक सेकंड चाहे कम हो लेकिन कम जरूर होगा कितने लोग हैं जो बीस सेकेंड से कम में ही सॉल्व करते हैं एक बार कॉमेंट करके मुझे बताएं अपने एग्जाम में जिन्होंने किया हो कॉमेंट करके बताइए कॉमेंट करके बताइए ना और जिनके एग्जाम में नहीं आया इनक्वालिटी वो घर से ले जाते मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ जिनके एग्जाम में आया हो तुमने जरूर कोई पाप होंगे वरना मैक्सिमम हर शिफ्ट में आया है कोई पाप होंगे तुमने बेटा राजा बाबू जरूर पाप होंगे तुमने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सत्रह जो नहीं करेगा उसको है खतरा चलो उड़ाओ फास्ट क्वेश्चन नंबर सत्रह जो गलत करेगा उसको है खतरा फास्ट पैतीस सौ बच्चे देख रहे हैं पच्चीस सौ लाइक है एक काम करता हूं मैं अगली बार हजार लोग ना उसमें रख लेता हूं कि हजार लोग लाइक नहीं करेंगे खुद लाइक कर लूंगा मैं जल्दी से भाई जल्दी से फास्ट फास्ट ऑब्जर्वेशन पावर कैसे इंक्रीज करें सुबह शाम दूध पिया करें गर्मी हो रही है बादाम खाने के लिए अखरोट खाने के लिए नहीं बोल सकता भिगो के खा सकते हैं बादाम जल्दी बताओ फटाफट कैसे इंक्रीज करें मेहनत से 87 परसेंट डी और क्या सुबह शाम दूध पिया करो तुम <yyye> यू बड़ा हो सकता है हा एक्स छोटा हो सकता है हा एक्स छोटा है अब खुद बताओ देखो ऐसे करते हैं हम लोग कैसे करते हैं सुनो देखो ध्यान से सुनना यू बड़ा हो सकता है हाँ एक्स छोटा हो सकता है हाँ एक्स छोटा है के से के आगे है नहीं नमस्ते करो के आगे है नहीं नमस्ते करो के बड़ा हो सकता है हां पी छोटा हो सकता है हां कॉमन टर्म एम पी से एम जा ही नहीं सकते घर में महाभारत चल रही है हटाओ फिर से यू बड़ा हो सकता है हा छोटा एक्स छोटा हो सकता है छोटा हाँ, है के से के आगे है ही नहीं तो तुम किससे छोटा करोगे अब के छोटा है एक्स सेक्स एक, छोटा एक है के से के आगे है, है नहीं अब करोगे? के बड़ा हो सकता है? हाँ? पी छोटा हो सकता है पी और एम कंपेयर कर ही नहीं सकते जब यहां ही नहीं जा सकते आगे कैसे जाओगे हटाओ निकल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन समय शुरू करते हैं आपका अब चलो भाई फास्ट कहां पर थोड़ा बैटिंग करो यार ना इधर होगा हम कब कह रहे हैं आधर होगा हम भी तो ना इधर ही बता रहे हैं। हम कब कह रहे हैं आई होगा ना इधर होगा हम भी तो आईधर ही बोल इधर ही बोल रहे हैं अरे गजब शाबाश बहुत बढ़िया यार चलो हाँ थकान हो गई बहुत ज्यादा पी बड़ा हो सकता है कुछ भी हो सकता है एम छोटा हो सकता है हाँ कॉमन टर्म टी पी बड़ा बराबर टी टी बड़ा एम राइट लगाओ एक्स बड़ा हो सकता है एक्स तो कुछ भी हो सकता है जेड छोटा हो सकता है हाँ? छोटा है से बराबर राइट लगाओ निकल जाओ अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया बेटा ऐसे पढ़ने से हो गया जल्दी से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हाँ हो सकता है पी तो कुछ भी हो सकता है ना एम छोटा हो सकता है हाँ कॉमन टर्म टी पी बड़ा बराबर टी टी बड़ा एम बड़ा बराबर बड़े में बड़ा ही आंसर आता है एक्स बड़ा हो सकता है एक्स तो कुछ भी हो सकता है जेड छोटा हो सकता है हाँ Z छोटा है T से T बराबर X तो Z छोटा हो गया X से राइट करो निकल लो आखिरी क्वेश्चन शायद शायदी का या सेकेंड लास्ट होगा सेकेंड लास्ट होगा या आखिरी होगा अब मुझे नहीं पता देखते हैं बाबर तोड़ बैटिंग भाई ए बी सी डी फर्स्ट सेकेंड आइधर ना इधर बोथ चलो उड़ाओ यहां जो करेगा गलत उसको पढ़ेगी बहुत मार यहां जो गलत करेगा उसको पढ़ेगी बहुत मार बात समझ रहे हो जो करेगा गलत उसको पढ़ेगी बहुत ज्यादा मार सही बता रहा हूं मैं मेरे ये लिखने का मतलब क्या है समझ रहे हो 2016 से लेकर 2021 तक का कोई भी क्वेश्चन इन का उठा लेना प्री लेवल का सुनो ऐसे कोई नहीं बोलेगा प्री लेवल का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना 2016 से 21 20 तक का ये बात ध्यान रखना ये एक्सपीरियंस से होती है ऐसी बात ऐसे नहीं होती कि उठकर आकर पढ़ा दिया 2016 से लेकर 2021 तक का कोई भी इन का क्वेश्चन का लेवल इससे अगर मैच कर जाए तो बात तो मुझे जरूर बताइएगा कर नहीं पाएगा ठीक है इससे मैच नहीं कर पाएगा इसके स्टैंडर्ड से देखिए क्या कहा गया ई e बड़ा हो सकता है हाँ सी छोटा हो सकता है हाँ अब देखिए कॉमन टर्म क्या है W ई e से W जा सकते हटाओ सी बड़ा बराबर हो सकता है कभी नहीं होगा हटाओ अब दिमाग लगाओ सी और फिर C एक बार C छोटा एक बार C बड़ा बराबर E को लिखो या डी को डी को लिखो या ई e को ये दोनों जुड़वा भाई हैं देखो ये दोनों जुड़वा भाई हैं इनमें से किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता जब दो वेरिएबल के बीच में सीरीज ब्रेक हो जाए तीन साइन आ जाए तो आइदर और लगाएं, फिर घर को जाएं, ठीक है भाई आइदर वन और टू चेक करें पोल में कितना लोग सही कर पाए चेक करते पोल में कितने लोग गोल कर पाए ठीक है कितने लोग पोल में गोल कर पाए वो है सिक्सटी थ्री परसेंट चलो भाई बहुत बढ़िया अंतिम क्वेश्चन इन इक्वालिटी का ये लीजिए बताइए चलो ताबड़ तोड़ बैठेंगे यार दुनिया हिला देंगे हम हैं मेहनत करने से होगा ऐसे नहीं होगा जिनका गलत हो गया थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा उनको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों इसके बेटा अभी आप डेली डेली क्लास करते रहो समझ में आ जाएगा क्या है पहले मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं हम जितने आरख्य होते हैं जिसे आपने एसबीए क्लर्क में देखा था पंद्रह से सत्रह क्वेश्चन मिसलिनियस थे पहले वो करिए फिर पजल पे जाइए जिससे कि आपके पास गेम में जीतने के पूरे चांस रहे एग्जामिनर के पास आपको हराने के नहीं आपके पास जीतने के चांस अस्सी परसेंट ने कहा है दोनों सही ये गलत बात है वैसे एम बड़ा बराबर हो सकता है चेक करो का एम हां हो सकता है सी छोटा बराबर हो सकता है हा एम बड़ा बराबर पी पी बराबर सी एम बड़ा बराबर सी सी बराबर पी एच बड़ा हो सकता है हाँ, एच छोटा हो सकता है हाँ, एच बड़ा है पी से पी बड़ा है एस से नमस्ते करो निकल लो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपके कितने सही हैं पोल कर लें जिनके पांच सही हो अभी मैं पोल कर रहा हूं कितने सही हैं आपके इन में ये मुझे बताओ जरा फिर अभी स्लॉक्स में थोड़ी देर बाद स्लॉक्स चलेंगे कितने करेक्ट है फाइव अगर सारे सही है फोर थ्री टू वन जीरो लो भैया बताओ पोल पे एक बार कमेंट करो कितने आपके सही हैं जरा पता तो चले हो क्या रहा है दुनिया में गजब अब आप देख लो कंपटीशन कितना तगड़ा है छियासठ परसेंट ऐसे जिनके सारे सही हैं आप देख लीजिए सिक्सटी सिक्स परसेंट बच्चे ऐसे इस क्लास में जिनके सारे सही हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ऐसे हैं जिनके फोर सही हैं इतना ही बहुत है सही है इतना ही बहुत है बस अब आप देख लीजिएगा कंपटीशन कितना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तैयार हो दोस्तों आप देखो अगर किसी ने पोल गलत किया होगा तो वो तो आपकी बात है यार वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता आगे चलते हैं हम आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारे पास आया ये फ्लैट फ्लोर दस सेकेंड का समय देता हूं स्किप करो और स्टोर करो जो बच्चा पूछा था ना स्किप स्ट्रेटी क्या है वो ये है आपने सिखाया तो सही होगा नहीं नहीं तुम क्या पता गलत कर लो देखो दोस्त क्या करते हैं हम स्किप स्ट्रेटेजी क्या है हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 ऐसे करके देखो कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर मतलब ना वहां पर 21 से 25 लिखना फ्लैट फ्लोर कि आपको समझ में आ जाए वन टू जैसे कि आपने स्टार्टिंग में डबल रो लिखा था ना वन से फाइव डबल रो छ मेंबर ये शॉर्टकट है क्वेश्चन नंबर ग्यारह से पंद्रह आपने लिखा था पता नहीं कौन सा लिखा था वो मेरे को तो पता नहीं ये फ्लैट फ्लोर है वो शायद वो था ईयर वाला ईयर सेवन तो ये आपके लिए है कि आप बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो और ज्यादा से ज्यादा आपके अटेम्प्ट रह पाए ठीक है चलते हैं आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्लॉग्स चलो फर्स्ट सेकेंड आईधर नाइधर बो तीस सेकेंड है अब देखना हम कैसे जादू करते हैं ये बच्चे हम नहीं हम तो बहुत पहले कर चुके जादू फर्स्ट फॉलो सेकेंड फॉलो आइदर नाइदर बोथ बताइए। ही फास्ट फास्ट फर्स्ट सेकेंड आइर ना इधर बोथ इदर और बोथ में पांचवा ऑप्शन करना चौथा ऑप्शन नाइदर बोथ में चौथा ऑप्शन चलो सिलॉग्स को भी स्किप कर दोगे तुम पेपर ही स्किप कर देना ठीक है सीधा हम लोग कॉन्क्लूजन पर जाते हैं और याद रखना ये लोग बात करते हैं इनको भी तीन चार महीने पहले ये भी डरते थे नहीं डरते हैं देखो कैसे बात करते हैं, देखो ऐसे सीधा यहां जाओ पूछो टी से पूछो कि क्या सारे टी एस के घर जा सकते हैं मैंने कहा ये बात करते हैं मेरे घर से कॉल आ गया रुको अभी अभी क्लास में हो बाद में बात करना अभी आधा घंटा और लगेगा थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है मैं खुद कॉल कर लूंगा चलो मैंने कहा बात करते हैं, मेरे घर वालों ने खुद कॉल कर लिया सारे टी एस के घर जा सकते हैं देखो टी से टी ने पूछा आर से चलोगे एस के घर आरने का नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है देखो कितना बढ़िया बात है टी ने पूछा आर से चलोगे एस के घर आरने का नहीं, नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है ऑल टी कैन नेवर बी एस एग्जाम में एक ये पॉइंट है जो आपको गलत करवा सकता है कैन के साथ नेवर एक यही ऐसा पॉइंट है जो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कैन के साथ जब नेवर लग जाता है कैन नेवर कभी नहीं तो ये बन जाता है डेफिनेट में नेगेटिव याद रखना और इसका शॉर्टकट क्या है अगर आपको गलत नहीं करना डेफिनेट में नेगेटिव है तो इसको ऑल के साथ आता है तो क्या मान लेते जरा कॉमेंट कर दो तुम लोग तो सब जानते हो जस्सी हो रहे हो तुम तो कॉमेंट करके बताओ ऑल के साथ कहने पर आता है क्या मानते हैं छत्तीस सौ प्लस देख रहे लाइक अभी इकतीस सौ भी नहीं है गलत बात है दोस्तों बहुत वेरी वेल डन सम नॉट याद रखना जो बच्चे बिल्कुल नए हो दोस्तों ऑल के साथ कैन नेवर कैन नहीं कैन नेवर भी आता है तो इसको पढ़ना सम नेगेटिव पक्का सही हो जाएगा डरना मत बस देखो अब क्या बन गया सिंपल बन गया सम टी आर नॉट एस चेक करो टी ने पूछा आर से चलोगे एस के घर नहीं तो सम टी जो आर है कहा जाएगा एस के घर तो सम टी आर नॉट एस टिक करो निकल लो वाह भाई वाह क्लियर है सम टी आर नॉट एस एग्जाम में केवल एक ये ही पॉइंट ऐसा है जो आपको गलत करवा सकता है ऑल के साथ कैन नेवर बी ऑल के साथ कैन नेवर बी आएगा सम नॉट मान लेना सही हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन चलिए उड़ाइए ये ऐसी क्लास है जहां पर प्री तो छोड़ दो मेंस में भी क्वेश्चन लगते हैं फास्ट तोड़ बैटिंग फास्ट जल्दी जल्दी इसमें तो जल्दी आंसर कर लिया वैसे मैंने देखा था देखो सीधा कॉन्क्लूजन गए सी, से टी टी से डी डी से सी ई टी है टी डी है डी का पड़ोसी सी ई सी कुछ नहीं पता हटाओ ऑल ई आर सी कुछ नहीं पता हटाओ आर नॉट सी ऑल ई आर सी एद्र जिस बच्चे को नहीं पता याद रखना जिस बच्चे को नहीं पता केवल चार वर्ड है ना एक्चुअल में तो इन इक्वलॉग्स में ऑल नो सम और सम नॉट सुन लेना किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा ये एक पेयर है जो आइदर और बनाता है ये दूसरा पेयर है जो आइदर और बनाता है केवल दो ही पेयर है जो आइदर और बनाते हैं आइदर वन और टू यही दोनों पेयर है बस ये पेयर है ये आइदर और बनाता है ये पेयर है ये आइदर और बनाता है और दो ही पेयर है जो नाइदर बनाते हैं वो कौन कौन से हैं जब ऑल के साथ नो आ जाए और सम के साथ सम नॉट याद रखिएगा ये चीजें कोई नहीं बताता ऐसे शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो चार में से दो पेयर आइर वाले हैं दो ना इधर वाले हैं नमस्ते करो निकल लो आपकी यात्रा मंगल में हो आपकी यात्रा मंगल में हो केवल यही दो पेयर है जो आइधर और बनाते हैं और कोई नहीं बनाता केवल यही दोनों पेयर है जो नाइधर न और बनाते हैं बस सही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नहीं करना पड़ेगा वेट क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी एट फास्ट सम के साथ कैनेवर सम ही कैनेबर बनता है सम के साथ कहने पर सम ही कहने पर बनता है बस दोस्तों सम के साथ कहने पर आएगा तो सम ही मानना है तो फिर क्या मानोगे सम के साथ कहने पर भी आएगा तो सम नॉट ही मानोगे तो इसको तो सम नॉट मान ही लोगे मैं तो डिफिकल्ट वाला बता रहा था जो गलत करवा सकता है ऑल के साथ कहने पर भी आएगा तो भी उसको सम नॉट मानना ठीक है चलो टाइमर ही लगाना भूल गया मैं यार सम और सम नॉट नाइदर नॉर सम नॉट नाइदर नॉर जल्दी उड़ाओ स्वस्थ खाओ तनमन जगाओ आंसर बताओ जल्दी से फास्ट देखिए जो जो पजल आएंगी वो सारी अभी हम करेंगे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सम इज नॉट ए ई e कहाँ नहीं जाता डी के घर ई e को पकड़ लो ई e कहाँ नहीं जाता डी के घर डी के अंदर सी है सी का पड़ोसी ए है ई e ने केवल ई e ने केवल डी के बारे में नेगेटिव बोला है और किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हो सम सी आर इज ए पॉसिबिलिटी देखो सी ने पूछा अपने बड़े भाई से कि चलोगे ई e के घर इसने क्या बताया नहीं नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है सी ने पूछा अपने बड़े भाई से चलोगे ई के घर इसने कहा नहीं ने, मेरी लड़ाई हो रखी है तो हटाओ तुम क्यों इनकी दोस्ती करवा रहे हो जब लड़ाई हो रखी है नाइ दर वन नॉर टू नाइ दर वन नॉर टू पहला भी गलत दूसरा भी गलत आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं सेकंड लास्ट है अभी शायद उड़ाइए तापड़ तोड़ बैटिंग करो पोल लगाता हूं फास्ट पोल आएगा लो तुमने बड़ी चिंता करी हमारी मेहनत बड़बहत तुम हाँ अभिजीत बिल्कुल सही कह रहे हो ऑल और सम नॉट में ना सीक्वेंस भी मैटर करेगा ऑल और सम नॉट में सीक्वेंस मैटर करेगा बाकी में सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा इस वाले केस में सीक्वेंस मैटर नहीं करता ठीक है इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता मर्जी है हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो ऑल और सम नॉट वाले में सीक्वेंस भी फॉलो करना चाहिए ठीक है ये याद रखना इसमें सीक्वेंस मस्ट है सीक्वेंस मस्ट इसमें नो नीड ऑफ सीक्वेंस सीक्वेंस की कोई आवश्यकता नहीं इसमें सीक्वेंस में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि नो को कहीं से भी लिखो फर्क नहीं पड़ता और सम को कहीं से लिखो फर्क नहीं पड़ता ठीक है चलो आंसर लिखा है छिहत्तर परसेंट सेकेंड चलिए देखते हैं कुछ आर एल है चेक करो आर से क्यू क्यू से एल आर से एल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं मालूम हटाओ आर से क्यू क्यू से एल आर से एल कुछ नहीं मालूम हटाओ एस एल के घर जा सकते हैं सारे एस एल के घर एस से एल का सम का रिलेशन है जब भी दो वेरिएबल में सम का रिलेशन होता है तो दो पॉसिबिलिटी काम करती है ऑल की कर जाएगी, हम के कर जाएगी जाएगी हम याद रखना ऐसे आपने अपने घर में एक कमरे पे लाल कलर पेंट करवा लिया ऐसे करवा लिया लाल कलर पेंट अब दो पॉसिबिलिटी है या तो आप अपने घर में बचे हुई जगह पर लाल कलर पेंट ना करवाएं सम नॉट की पैसे पॉसिबिलिटी या आप अपने घर को लाल किला बनवा लें कि देखो हमने भी लाल किला बनवाया है सारे के जगह लाल कलर पेंट करवा लें ऑल की पॉसिबिलिटी बस दो ही पॉसिबिलिटी है All, है ऑल नॉट क्लियर याद रखना या तो आपका घर उसको लाल किला मत बनवाओ या आपका घर उसको लाल किला बनवा लो सही है चलो आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन का शायद उड़ाइए उसके बाद पजल पजल उड़ाइए और क्या बनाओ लाल किला हमारा कौन सा खुद का है बनाओ बनाओ जो बनाना है बनाओ ए बी सी डी तुम्हारा अभिजीत पर्सनल ट्यूशन चल रहा है क्या <laughs> भाई पर्सनल ट्यूशन नहीं चल रहा है ठीक है सम और सम नॉट में नाइदर ही लगाना दोस्तों गलत की जिम्मेदारी तुम्हारी है अगर आइदर लगा के आओगे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है, जहां पर मैं खुद सही करवा चुका हूं ठीक है काफी जगह मैंने पढ़ा लिया ऑलरेडी बहुत जगह सही करवा लिया बीस बीस इक्कीस इक्कीस साल के बच्चे बनाते हैं पेपर ठीक है तो परेशान मत हो अगर वो आईधर लगा लेते हैं सम और सम नॉट में सम और सम नॉट में आइदर और नहीं आता एग्जाम्पल देता हूं क्यों नहीं आता सुन लीजिए मेरे पास एक पे, आ, मार्कर का एक डिब्बा आया मार्कर का डिब्बा आया मैंने आप से, से कुछ मार्कर रेड चलते हैं आपने कहा नहीं नहीं सर मुझे नहीं मालूम मैंने कहा कुछ मार्कर रेड नहीं चलते हैं आपने कहा नहीं मालूम मैंने पहला मार्कर निकाला रेड चल गया दूसरा निकाला ब्लू चल गया तो मेरी ये वाली बात भी सही हो गई ये वाली बात भी सही हो गई जब किसी भी कोई भी ऐसा केस बन रहा हो जहां पर दोनों ही कॉन्क्लूजन गलत हो रहे हो या दोनों ही कॉन्क्लूजन सही हो रहे हो वहां कभी आइदर और आ ही नहीं सकता क्योंकि आइधर का मतलब होता है या तो आप या मैं या तो मैं या आप ये सम और सम नॉट क्यों गलत होता है क्योंकि यहां दोनों ही बातें एक साथ सही भी हो सकती हैं ठीक है तो इसमें कुछ केस ऐसे बनते हैं इस वाले इस वाले में कुछ केस ऐसे बनते हैं जहां पर एक सही एक गलत हो रहा होता है लेकिन कुछ केस यहां ऐसे बनते हैं इसमें दोनों सही हो रहे होते हैं तो जब किसी भी कंक्लूजन पर आप ना पहुंच पाए तो जवाब लगाए नॉर बाकी आपकी लाइफ आपके रूल बी कूल सही है बिल्कुल ना बने अप्रैल फूल आपकी लाइफ आपके रूल ठीक चलो इसका आंसर देख लो एक बार एक बार मैं भी पहले इसका सॉल्यूशन कर लूं फिर पूछता हूं कुछ एफ डब्ल्यू है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ही कर लेते इससे बढ़िया तो हम कुछ एफ डब्ल्यू है F से J, J से W भैया F से W का पॉजिटिव का तो कोई मतलब ही नहीं उठता हटाओ सारे W F होने की पॉसिबिलिटी है अरे अभी तो कर रहा था हटाओ अभी तो सॉल्व ही किया था अच्छा नहीं नहीं सारे W F मेरे को एम बी डब्ल्यू दिख रहा है सारे W F के घर जा सकते हैं तो W W कहा नहीं जाता के घर W कहा नहीं जाता के घर जे के पड़ोसी के किया जा सकता हाँ जा सकता है हमें क्या दिक्कत है पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला सही डब्ल्यू कहा नहीं जाता डब्ल्यू ज... कहा नहीं आता जे के घर जे के पड़ोसी के जा सकता हाँ जा सकता है राइट लगाओ निकल जाओ एक बार कॉमेंट कर दो किस किस के कितने सही है किस किस के कितने सही है एक दो तीन चार लो पोल कर लेते कितने परसेंट लो कितने सही है अभी देखना पजल आज कैसी कैसी है ऐसी 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 कर देगी तुम तो कह रहे थे ना बड़ा पीओ वाला चाहिए अब लो पानी ना पिला दिया तो कहना तुम किस किस के पांच सही हैं रुको पांच अरे सबर करोगे चार तीन दुई एक चलो अब बताओ स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ पूरे नंबर पाओ फास्ट भाई वाह यार बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया गजब बिल्कुल टेंशन मत लेना मत नहीं लेना और टेंशन लो तो मुझे बताना मत ठीक है टेंशन मत लेना टेंशन लो तो बताना मत चलो आगे बढ़ते हैं आगे और क्या क्या है खास कितने परसेंट लोगों ने सही किया छप्पन परसेंट के तो सारे सही हैं, अब चलते हैं पजल पर अब पजल का खेला होगा चलिए आइए इसके बाद क्या आया फिर पजल आया बॉक्स पजल बॉक्स बदल दस सेकंड छोड़ दिया दस सेकंड छोड़ दिया ठीक है लिख लेना कहीं पर चार पजल हो गई बॉक्स नाइन बॉक्स की पजल है ठीक है चलो अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं आपके सामने आया दो डायरेक्शन और तीन ब्लड रिलेशन अगर आप देखोगे पूरे पच्चीस नंबर का खेला है आप जिससे बचे रहे अब आप की सलाह देखो चार पजल है आपके पास एक डायरेक्शन है मतलब दो क्वेश्चन का तीन क्वेश्चन का ब्लड रिलेशन है चार पजल कौन कौन सी अगर मैं बात करूं अब आप बताएंगे क्या क्या करना है ब्लड डबल रो फिर फ्लैट वाली थी एक फिर ईयर वाली थी एक और एक बॉक्स तो सीक्वेंस से चलना पसंद करोगे अक्ट करोगे जल्दी बताओ कहां चलोगे वैसे मुझे पता है अगर मैं आपको चॉइस कौन सी वाली से बचना है तो किससे बचने की कोशिश करोगे आइए देख लेते हैं जनता क्या कहती है कौन सी वाली पजल से बचना पसंद करोगे अगर कोई चॉइस मिले छोड़ने की तो पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर कौन सी पजल को छोड़ना पसंद करोगे एक बार कॉमेंट कर दो छोड़नी तो वहां कोई सी भी नहीं है फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी करवाऊंगा तो मैं सारी ही चिंता मत करो कौन सी वाली नहीं करना पसंद करोगे ये मुझे बताओ तो मैं अगर जैसे मैं आपका अगर पोल करवा लू याद रखना अभी मैं एक एक, एक और मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा अभी देखो ये पोल में क्या आंसर आता है एबीसीडी कौन सी वाली पसंद छोड़ना पसंद करोगे आओ देखाता हूं पहली जो दे रखी है इनमें ऑप्शन जो मैंने दे रखे हैं उनमें से बताना कौन सी वाली छोड़ना पसंद करोगे बताओ बताओ रो वाली के लिए एक फ्लैट वाली के लिए दो ईयर वाली के लिए तीन बॉक्स वाली के लिए चार कौन सी वाली आप चाहते ना करें ना करें अब आप देखिएगा जरा आंसर अपने कौन सी वाली ना करें बीस तेतीस इकतालीस सात बीस तेतीस इकतालीस सात बीस तेतीस इकतालीस सात इसका मतलब मेजॉरिटी यहां है क्यों क्योंकि कैलकुलेशन है सही बात है तो पहले यही वाले से शुरुआत करूंगा मैं दूसरा यही मना कर रहे हो तो यही पर चलेंगे क्यों क्योंकि इसमें फ्लैट में रो और कॉलम की दिक्कत आती है तो एक टीचर का क्या धर्म है उसका यही धर्म है जो स्टूडेंट कह रहा हो ये नहीं करने लेना ना मम्मी ये वाली चीज नहीं खानी तो बेटा मम्मी को तो वही वाली खिलानी पड़ेगी नहीं तो फेल हो जाओगे कमजोर रह जाओगे तो आपको तो वही गाइड करना पड़ेगा मैं पहला ईयर वाला ही कराऊंगा भाग ऐसा तो भाग जाओ दूसरा फ्लैट फ्लोर भागो मैं ही नहीं करवाऊंगा बॉक्स वाला ही नहीं करवाऊंगा लो और ले लो वही नहीं करवाऊंगा लो भागो तुम जितना भाग सकते हो भागो भागो जाओ निकलो सबसे पहले यही लो तुम ईयर वाला ही लो तुम भागना है ना तुम्हें भागो एग्जाम से भी भाग जाना ऐसे ही सबसे पहले यही कराऊंगा जो मना कर रहे थे तुम ईयर वाला आए ये लो तुम्हें बहुत शौक चढ़ रहा है ना करने का ईयर वाले को ये लो ये लो आ गया करो हैप्पी बर्थडे का ढाई मिनट का समय करिए ढाई मिनट का समय करिए चलिए उड़ाइए बचवाता हो अभी तुम्हें इससे बचना है अभी बचवाता तुम्हें इससे भागने वालों से नहीं आपके बच्चे हैं पर थोड़ बैटिंग चिंता मत करना यहां एक घंटे की क्लास नहीं होती टाइम देख के नहीं होती या क्लास यहां टाइम देख के क्लास नहीं होती दोस्तों याद रखना वेरी गुड रंजीत बिल्कुल सही बोल रहे हो अगर यहां भागेंगे तो एग्जाम आपको भगा देगा बिल्कुल सही बात है अगर यहां भागोगे तो एग्जाम तुम्हें भगा देगा हो गया हां या ना जिनका होता रहे ये एस पर टिक कर देना फिर मैं सॉल्व करा दूंगा चलो तो मैं सॉल्व करता हूं भाई यहां भागोगे तो एग्जाम आपको भगा देगा चलिए देखते हैं देखिए भाई आपसे बोल रहे है, सेवन परसन अलग अलग ईयर में पैदा हुए पंद्रह से इक्कीस तक ठीक है पंद्रह से इक्कीस दो हजार पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ये ईयर है आप सुन लेना एज हम तब निकालते हैं इफ रिक्वायर्ड वैसे ऐसा कुछ दिया ही नहीं है तो निकाल के कोई फायदा ही नहीं है ठीक चल टी इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू टी जस्ट बिफोर डब्ल्यू से दो मेंबर, के और जेड के दो मेंबर जेड के पहले पैदा हुआ है जेड से तो के ऊपर जेड नीचे जितने मेंबर एक्स के पहले एक्स के बाद उतने जेड के पहले सुनो सबसे की पॉइंट ये है जितने मेंबर एक्स के बाद कहां लिखो यहां एक्स के बाद उतने मेंबर जेड के पहले ठीक है पी 2017 के बाद हुआ है पी 2017 के बाद कहीं पर भी हो सकता है लेकिन 2020 में नहीं ठीक है और वाई आफ्टर डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद में वाई इधर देखोगे तो श्यामत आएगी इधर देखने पर पाप चढ़ेगा ठीक है भाई इधर देखने पर पाप है ये तरीका है कि आपका क्वेश्चन यहां लिखी गई बातों से बनना है आओ बनाते कलर चेंज कर लेते हैं देखो के दो मेंबर जेड जेड और एक्स जितना जेड के पहले उतना एक्स के नीचे देखो के दो मेंबर जेड अगर मैं जेड को यहां बनाऊं तो Z एक दो तीन चार नंबर पर है तो एक दो तीन चार पर X क्या सिर पे बैठेगा मेरे के दो मेंबर Z Z एक दो तीन नंबर पर है तो X भी तीन नंबर पर हो जाएगा K दो मेंबर Z Z दूसरे पर है तो X भी दूसरे पर हो जाएगा K दो मेंबर Z Z नीचे है तो X भी ऊपर हो जाएगा खत्म T के जस्ट बाद में W बेटा इस पूरी लाइन में T के बाद में W आएगा Y क्या सिर पे आएगा मेरे Y नहीं आएगा इसमें T के बाद में W आएगा W के बाद में Y आएगा तो P कहां पर आएगा सिर पे P आखिरी के चारों में से कहीं आना था T के बाद में W बना दोगे तो P कहां बनाओगे T के जस्ट बाद में W P यहां नहीं आना P यहां भाई यहां नमस्ते करो घर निकल लो हटाओ नमस्ते करो निकलो आपकी नजर में मैंने तीन पॉसिबिलिटी बनाई मेरे भाई मैं फिर दिखाता हूं एक बार आपकी नजर में तीन पॉसिबिलिटी है मेरी नजर में तो कॉन्सेप्ट है ये सिखाने वाले के ऊपर है वो आपको ट्रेंड कैसे करता है आपको मूर्ख कैसे बनाया जाता है आइए बताता हूं क्यों यहां पर सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में पिछले आठ नौ साल से जब से यूट्यूब स्टार्ट हुआ है पिछले चार साल से पांच से 2016 से उठा लेना 21 तक पूरी इंडस्ट्री में अगर बैंकिंग में सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो यह वो क्लास है चाहे वो प्री हो चाहे मेंस वो है आपका भरोसा मैं भी इसको बाय डिफॉल्ट खत्म कर दूंगा बिना देखे बिना सोचे समझे मुझे तो याद है मैंने तो क्वेश्चन बनाया है लेकिन ये आपका प्यार है ये आपका भरोसा है जो मैं आप तक पहुंचाता हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन को वैसे करता हूं जैसे आप एग्जाम में करके आते हैं लोग आपको कहते देखो ऐसे 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 कर लो मिनिमम पॉसिबिलिटी एग्जाम में जाके होता नहीं फिर मेरे पास आते हैं क्यों ज्यादा लोग इस क्लास में है कोई तो रीजन होगी इतने साल हो गए तो यही कहना है दोस्तों जैसा आप एग्जाम में करके आते हैं मेरा तरीका वैसा वाला है तो जितने में आप ऐसे लिखोगे ना के दो मेंबर्स जेड इतने में तो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा आइए देखते हैं ये देखिए के दो मेंबर जेड जेड के पहले और एक्स के बाद के दो मेंबर जेड जेड अगर चौथे पर है तो एक्स चौथे पर नहीं आ रहा के दो मेंबर जेड जेड तीसरे पर तो एक्स भी तीसरे पर के दो मेंबर जेड जेड दूसरे पर एक्स भी दूसरे पर के दो ये तो यहां तो हो ही गया था के दो मेंबर जेड जेड पहले पर एक्स भी पहले पर हमने क्या किया बच्चे हमने किया ये टी और डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद वाई टी और डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद वाई कहां से आएगा टी और डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद वाई तो पी कहां आएगा लास्ट के चार में टी से डब्ल्यू यहां बनाओगे तो पी कहां आएगा टी से डब्ल्यू पी यहां नहीं तो पी यहां वाई यहां नमस्ते करो निकल लो नेक्स्ट तरीका वो जो बेस्ट हो जो आउटपुट दे तरीका वो जो आउटपुट दे नेक्स्ट फ्लैट फ्लोर आओ उड़ाते हैं फ्लैट फ्लोर उड़ाओ आओ कौन से नंबर का था फ्लैट फ्लोर बताओ यही है ना ये लो फ्लैट फ्लोर आ गया चलो करो उड़ा उड़ाओ ये लो बचरे देना इससे लो बचो अभी बचा दो तुम्हें करो 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 बचो बचो लो बचाता तुम्हें अभी आ, आदिल बिल्कुल सही तरीका जो सिलेक्शन की ओर ले जाए सर टेल मी अबाउट योर बेसिक टू हाई क्लासेस इन अन अकेडमी मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे ना आप जब मुझे फॉलो करेंगे मेरी प्रोफाइल पर जाकर तो आपको अपने आप मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल पर जाइएगा अनअकेडमी पर वहां पर ऑन गोइंग में जाना अरे चौबीस का फॉन्ट है और क्या चालीस का फॉन्ट कर दू बाहर निकल जाएगा बोर्ड के पजल में पजल हो गए मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर मेंस में ऐसा आएगा तो खड़े हो जाना अपनी सीट से कहना हमें नहीं करनी नौकरी अगर मेंस में ऐसा है तो वहां से खड़े हो जाना कहना हमें नहीं करनी नौकरी अगर मेंस में ऐसा है तो वहां से खड़े हो जाना कहना हमें नहीं करनी तो नौकरी फिर से पोल कराता हूं हो गया तो ऐसे लिख लेना आइदर वाला आज सीखा चलो बहुत बढ़िया कुछ तो सीखा चलो अरे एबीसीडी कर दिया मैं भी तुम्हारी तरह ना कभी कभी बहक जाता हूं हो गया हां या ना चलो बताओ जिसका हो गया एस पर टिक आइए देखते एक कदम सिलेक्शन की ओर तेरी ओर तेरी ओर आ हाँ? चलो आठ मेंबर है चार फ्लोर है जो यहां पर की पॉइंट है वो ये है दो फ्लैट फ्लैट वन फ्लैट टू वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट तो इसका तरीका क्या होता है देखो चार फ्लोर है चार तीन दो एक दो पॉसिबिलिटी तो बनवाएगा बनवाएगा तो थोड़ा बड़ा बना लेना ऐसे जो दो दो बार ना बनाना पड़े ऐसे 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 ठीक है भाई वन टू वन टू सही चलो आगे बढ़ते हैं देखते क्या कह रहा है दो फ्लोर एल और के एल और के सेम फ्लैट है एल दो मेंबर के एल और के सेम फ्लैट ऊपर नीचे हो सकते हैं ठीक है एम सेम फ्लोर ऑफ के एम और के सेम फ्लोर में इधर उधर हो सकते हैं ठीक है वन फ्लोर पी और एम बट नॉट सेम देखो एम वन फ्लोर पी और अलग अलग है तो मैंने ऐसे कर लिया कि होंगे दोनों अलग अलग ही ठीक है एल डज नॉट लिव इवन नंबर फ्लोर एक बार बताओ एक दो तीन चार अगर चार पर ही नहीं होगा तो चार पर ही होगा चार पर K K का पड़ोसी M K वाले में L M1 वन में पी अलग अब आप कहेंगे इधर क्यों बनाया मैं कहूंगा कहां बनाया मैं तो यहां भी बना रहा हूं देख तो देखो तो सही K वाले में एम एम वन मेंबर पी, ये दोनों अलग अलग ये दोनों है अलग अलग है ना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं I just above J but not in same flat I just above J not in same I just above J not in same लिखा हुआ है ओ बिलो आई बट नॉट इन फ्लैट टू ओ फ्लैट टू में नहीं है तो क्या मेरे सिर पर आएगा ओ फ्लैट टू में नहीं है लेकिन आई से नीचे है तो सही हो जाएगा ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं तीसरा वाला आप कौन से वाले से बच रहे थे तुम लोगों से पूछना तो बेकार है बॉक्स वाला तो आप कर लेंगे डबल रो डबल रो और करो डबल रो आ जाओ उससे भी कुछ लोग बच रहे थे लोग अभी बचवाता हूं तुम्हें अभी बचवाता हूं रुक जाओ ये लो चलो का दौड़ बैटिंग चलो जल्दी से बहाना बनाना मना है उड़ाओ चलो 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 बहाना बनाना मना है चलिए उड़ाइए अक्षिता कह रही है एल ऊपर क्यों नहीं आया जैसे अक्षिता में ये के कभी ऊपर नहीं आ सकता ऐसे चार फ्लोर में एल इवन नंबर पर नहीं है तो एल कभी ऊपर नहीं आ सकता वाह 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 जिस तरीके से अक्षता में के ऊपर नहीं जा सकता ऐसे वैसे ही चार फ्लोर में अगर एल इवन नंबर पर है और एल और के के बीच में दो हैं, तो एल का भी ऊपर नहीं आ सकता ठीक है क्योंकि दे रखा है एल इवन नंबर पर नहीं है ओके ऐसा ही तरीका है अपना बताने का भी नहीं बोलोगे अब हरदीप तुम्हें ब्लॉक करके फेंक के मारू यहीं से अरुण सर की क्लास में हरदीप तुम्हें यहीं से फेंक के मारूंगा अरुण सर की क्लास में चुपचाप निकल जाओ यहां से हाँ नहीं तो चलो जल्दी सॉरी सर मुस्कान झा मुस्कान झा आई लव यू राहुल राहुल बेटा है इनके चक्कर में मत फंसना ये मुस्कान नहीं मोहित निकलेगा ठीक है जो तुम्हारे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेगा ठीक है भाई इन चक्करों में ना पढ़ना पेपर कर लेना चलो ठीक है भैया चलो आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं चलिए बारह मेंबर हैं दो रो है इसमें क्या तरीका होता है नॉर्थ वाले अलग लिख लो जिससे आपके दिमाग में फिक्स रहे से एफ नॉर्थ मैंने यहां लिख लिया ए से एफ नॉर्थ आप देखना मेरा तरीका देखना क्वेश्चन सॉल्व करने का ध्यान से बी इमीजिएट राइट ऑफ एफ बी तुरंत राइट right है एफ के क्योंकि नॉर्थ देख रहा है सही है एम इमीजिएट राइट ऑफ एन अरे यार प्रभात सर तुमसे ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा मैं अभी मेरी क्लास चली क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो ठीक uh, right 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 है चलो ए बी बड़ा बी जस्ट राइट में एफ के एम इज इमीजिएट राइट ऑफ एन एम जस्ट राइट है एन के क्योंकि साउथ देख रहे हैं क्योंकि साउथ सही एम जस्ट राइट ऑफ एन एन ऑपोजिट टू दैट पर्सन एम ऑपोजिट टू दैट पर्सन इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए एम अपोजिट है किसके जो ए के थर्ड लेफ्ट है ठीक है एन सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन इज अपोजिट टू डी एन सेकेंड लेफ्ट है किसके जो डी के अपोजिट है एन सेकेंड लेफ्ट है किसके जो डी के अपोजिट है ठीक है दो मेंबर सी और डी देखो पांच तो हो गए आठ तो कर नहीं सकते डी दो मेंबर सी ठीक है सी इमिजिएट लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन सी इमिजिएट लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज ऑपोजिट टू नेबर ऑफ जे जो ऑपोजिट है नेबर ऑफ जे तो या तो जे यहां या जे यहां सी उस व्यक्ति के जस्ट लेफ्ट में है जो व्यक्ति ऑपोजिट है जे के पड़ोसी के तो या तो जे इधर या जे इधर आगे बढ़ते हैं जे कॉर्नर पर है तो भैया अगर जे कॉर्नर पर है तो ये तो जे आएगा नहीं यही जे आएगा सही यहां कर लो जे सही है एक दो तीन चार पांच छ पूरा हो गया अब यहां देखो बी के जस्ट राइट में एफ एफ के जस्ट राइट में बी तो एफ के जस्ट राइट में बी यहां तो एक दो तीन चार पांच बचा हुआ यहां लिख देना जो भी रह गया और क्या रह गया ओ इज राइट टू एल बट नॉट अपोजिट टू डी ओ अपोजिट टू डी नहीं है राइट ऑफ एल है ओ राइट टू एल नमस्ते करो निकल लो एक यहां लिख देना एक यहां लिख देना वहां से निकल लेना ठीक है भाई एक यहां लिखना एक यहां लिखना और फिर निकल लेना किस किस का सेम बना एक बार कमेंट कर दो आज की कहानी यहीं तक अरुण सर ने मुझे देखते हुए कि पुनीत सर तो क्लास नौ बजे छोड़ने वाले हैं नहीं नौ पंद्रह पर लगाई थी क्लास अब नौ अट्ठारह हो गई है फिलहाल मैं क्लास यहीं पर विराम लगाता हूं बॉक्स पजल आपको सॉल्व करना पड़ेगा ब्लड रिलेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा डायरेक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ मैं में स्टार्टिंग में प्रमोशन नहीं करता लास्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि एक तो पुनि सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सर टेलीग्राम चैनल इसके अलावा क्या है इसके अलावा ये देख लो फीस सैलरी इतनी सिक्स फाइव डबल जीरो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एवीपी टेन कोड लगाकर तो दस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एवीपी टेन कोड लगाना फीस हो जाएगी फाइव एट फाइव जीरो चल रहा है इसमें भाई कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो लेकिन आप फिलहाल चौदह जुलाई को यह बैच स्टार्ट हुआ एक बजे दो बजे इंग्लिश छ बजे रीजनिंग छत बजे नहीं बजे बजे और मैथ्स मेंस का है बैच ये आईबीपीएस क्लर्क क्लर्क्री ये फाउंडेशन बैच है ये बारह ये तीन ये पांच ये आईबीपी आरआरबी पीओ क्लर्क एक बजे मेरी क्लास दो बजे अरुण सर की ये सारे बैच परचेस कर सकते हैं अभी एक साल का परचेस करेंगे तो चार महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है ठीक है एवपी टेन कोड लगाए नमस्ते बाय बाय टेक केयर पीडीएफ डाल दूंगा जय हिंद जय भारत कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ठीक चलो नमस्ते फिर मिलेंगे हंसते हंसते